एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ, शुभकामनाएं देने आया हूँ। और कहावत है, गिरे तो भी टांग ऊपर वाली, ऐसी बात है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। और निश्चित रूप से आपको इतना ही कहूँगा, 10 साल मोदी जी को जो मिले, 10 साल में जो उन्होंने इस देश का विकास किया है, देश का विकास, देश को बहुत ही ऊंचाई पर ले गए। उनके बाद देश के विकास का एजेंडा था और सामने वाले जो थे विपक्ष वाले इंडिया लाइन, उनको एक ही था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हराओ। ये ऐसे जो पीड़ित लोग थे, वो लोगों को जो कई लोग कहते थे कि मोदी जी को तड़ीपार करो, तो तड़ीपार इस देश की जनता ने उनको किया है, सत्ता से रोक कर जो बोलने वाले हैं उनको ही तड़ीपार कर दिया, उनकी जगह उनको दिखा दी है। देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला, महाराष्ट्राची निकाल आली आहे। साहेब उपमुख्यमंत्री अपने बारे में बोलना भूल गए एकनाथ शिंदे कि दरअसल 48 में से एनडीए का आंकड़ा 17 पर सिमट गया। 41 सीटें एनडीए ने 2019 में जीती थी, जब शिवसेना, वो जो अब दूसरे वाली शिवसेना, असल तो दरअसल एकनाथ शिंदे की हो गई, साथ में थे, तो 41 में से आप 17 घटाइए तो 24 सीटों का नुकसान हुआ है। पर दरअसल दम इसलिए भी भर रहे हैं एकनाथ शिंदे कि जो बीजेपी है 28 सीटों पर लड़ी, 10 ही जीत पाई, बीजेपी का खुद का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं है, तो अब एकनाथ शिंदे का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, वो कहीं जा नहीं सकते। तो इस बात को लेकर थोड़े मुतमईन और आश्वस्त भी दिख रहे हैं क्या एकनाथ शिंदे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।